तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाने वाले हर बार 10 क्वेश्चन, जिनमें से एक दो क्वेश्चन तो 100% आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, ये सभी को पता है मुझे लग रहा है। तो ये है मालेगाँव में, जो क्लास 12th में सब्जेक्ट में भी दिया हुआ है मालेगाँव में। और फिर दूसरा क्वेश्चन है घरेलू उपयोग में होने वाली चीनी में पाया जाता है सुक्रोज, पाया जाता है उसमें। फिर तीसरा क्वेश्चन है पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है, लियो टॉलस्टॉय है। फिर चौथा क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति कौन करता है, जो चुनाव होते हैं मुख्य चुनाव, उसके आयुक्त के नियुक्ति कौन करता है। तो उसके नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। फिर वायुमंडल दाब को दाबने वाला बैरामीटर। फिर छठा क्वेश्चन है कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर होती है, अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समांतर होती है, एक समान होती है, समांतर होती है। फिर सातवां क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। और फिर आठवां क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोहियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किससे सहयोग के ग्वालियर में विद्रोह किया था, तात्या टोपे ने इनका सपोर्ट किया था। फिर अगला क्वेश्चन है नौवां क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी वो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। फिर दसवां अंतिम क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहीं कहाँ हुई थी, तो रंगून में उनकी मृत्यु हुई थी। और एक मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आप मुझे कमेंट में आंसर दे देना। क्वेश्चन ये है कि जो जब मिर्जा राजा की उपाधि किस किस को दी थी, ये एक मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है मिर्जा राजा की जो उपाधि है वो किसको दी थी और किसने दी थी, ये मुझे कमेंट में बता देना। थैंक यू।